आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो राखी स्पेशल होने वाला है। तो दो चार दिन पहले मैं राखी ले आई हूँ, तो आज मैंने राखियाँ लगा दी हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर की जाए, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं किस किस टाइप की राखियाँ लाई हूँ करके। तो बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो फटाफट से मैं आप लोग को राखियाँ। सो गाइज, ये देखिए इस टाइप से लगा रखी हैं हमने अपनी शॉप में राखियाँ। और हमने ना राखियाँ ये ऐसी फोल्डिंग वाली चारपाई है इसमें लगा रखी हैं। वैसे हमारे पास कोई टेबल वगैरह नहीं था, और टेबल वगैरह रेंट पे मिल जाता है, लेकिन उसमें हमें लगता है खाली फालतू का खर्चा है। और चारपाई में भी ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस टाइप से एक बेड शीट बिछा के, और अगर वाइट बेड शीट है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें ना राखियाँ काफ़ी सुंदर लगती हैं वाइट में। तो हमारे पास वाइट तो थी नहीं, तो इसी टाइप की है ये, तो हमने यही बिछा लिया है। तो काफ़ी अच्छी लग रही इसमें भी राखियाँ, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस किस रेंज की राखियाँ रखी है करके। तो इस चारपाई में हमने 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक की राखियाँ रखी है, और इससे ऊपर की राखियाँ मैंने ऊपर काउंटर में लगा रखी हैं। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि कौन कौन से डिज़ाइन है मेरे पास करके, और 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक की कौन कौन सी राखियाँ करके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 10 रुपये वाली राखी। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो इस टाइप के कुछ डिज़ाइन है 10 रुपये में। वैसे 10 रुपये में आजकल आते ही क्या है। तो ये देखो, ये ओम वाली कितनी प्यारी सी राखी है, और एक ये है देखो कितनी सुंदर सुंदर राखी है। तो ये जो है ये सब 10-10 रुपये वाली राखी हैं, ये वाली और ये वाली हो गया, और ये जो धागे हैं ये भी सब 10-10 रुपये वाले हैं, और ये वाले धागे भी 10-10 रुपये वाले हैं। और अगर कोई पूरा गुच्छा ले जाता है तो मैं 90 रुपये 100 रुपये तक दे देती हूँ। और ये भी जो ये पैकेट वाले हैं ये सब 10-10 रुपये वाले हैं, और अगर कोई पैकेट लेता है तो उस अकॉर्डिंग दे देते हैं हम लोग। तो ये सारी 10-10-10-10 रुपये वाली राखी हैं। और उसके बाद जो ये राखी है ये 15 रुपये की है। वैसे तो ये रेट लिखना पड़ता है, और कोई कोई तो इतनी बार्गेनिंग करते हैं, 15 वाली को भी 10 में देना पड़ता है, 10 वाली को भी 10 में देना पड़ता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप रेट लिख सकते हो, और कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और उसके बाद ये भी सब 15-15 रुपये वाली हैं, ये भी 15 रुपये वाली है, और उसके बाद ये भी 15 रुपये वाली राखी है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ये 20 रुपये वाली, ये 20 रुपये वाली, और 20 रुपये वाली में बहुत सारे डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो। ये देखो, ये सब 20-20 रुपये वाली राखियाँ ही हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ज़्यादातर राखियाँ इसमें 20 रुपये वाली हैं, और उसके बाद ये वाली राखियाँ हैं 40-40 रुपये की, ये देखो। तो ये तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जैसे है, क्योंकि फिर कस्टमर इतना 40 रुपये लिखा है तो कस्टमर कहते हैं कम करो, तो फिर कम ही देनी पड़ती है। तो इसलिए रेट ठीक ठाक सा लिखना पड़ता है। और ये देखो, ये सब 40-40 रुपये वाली है। ये भी देखो कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं, ये देखो। और एक डिजाइन इसमें ये वाला है ओम वाला, और ये वाला देखो काफ़ी सुंदर राखियाँ हैं। और एक ये वाली राखी है, ये वाली है, और ये देखो ये 30 रुपये में इस टाइप की राखियाँ हैं, ये भी 30 रुपये की है, और ये वाली राखी भी 40-50 रुपये की है। और एक इस टाइप के धागे हैं, और इनकी ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी राखियाँ हैं। तो इन्हें आप 20-25 रुपये 25-30 रुपये तक दे सकते हो, मतलब क्योंकि ये धागे काफ़ी अच्छे होते हैं। और एक है मेरे पास ये चंदन की राखी, तो इसमें ना काफ़ी खुशबू आती है इसकी, ये काफ़ी अच्छी राखी है, तो इसे चंदन के नाम से लोग ले जाते हैं इस वाली राखी को भी। और उसके बाद एक राखियाँ देखो आप लोग देख सकते हो, कितनी प्यारी सी राखी है, गणेश जी बने हुए हैं इसमें, ये देखो इस टाइप से। तो ये राखी भी काफ़ी अच्छी है, और इसे भी 40-50 रुपये सेल करती हूँ मैं, जब जैसा कस्टमर आ गया। तो ये सारी कुछ राखियाँ हैं सस्ती सस्ती वाली, 10-20-30-40 रुपये 50 रुपये तक की राखियाँ। और इससे ऊपर मैं जो जो डिजाइन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, और हमने क्या किया ना, जैसे ये मैं आपको तो एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ, जैसे 20 वाली है, इसके नीचे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो इस टाइप से रखे हुए हैं।
तो अगर आप लोग की भी न्यू शॉप है तो मैं आपको बता दूं कि आप काफ़ी कॉस्टली राखियाँ मत लाइए, सिर्फ मतलब 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, मतलब मैक्सिमम 50 रुपये सेल तक लाइए। और अगर आपका एरिया नॉर्मल सा है तो, और अगर हाईफाई एरिया है तो आप लोग रख सकते हो 100-150 रुपये तक की राखियाँ। तो मैंने तो इसी टाइप से राखियाँ रखी है और काफ़ी प्यारी प्यारी राखियाँ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये हैं कुछ बच्चों की राखियाँ, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ बच्चों की, सुपरमैन डोरीमोन पता नहीं क्या क्या हैं, ये सारे कार्टूनों की राखियाँ बनी रहती है और बच्चे ना इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। ये देखो इसमें बर्गर बना हुआ है, ये देखो। तो ये हैं बच्चों की राखियाँ, और बच्चों की ना मैं लाइट वाली राखियाँ भी ला रही हूँ। तो जो बच्चों की लाइट वाली राखियाँ हैं वो मैंने इसमें लगाई नहीं है क्योंकि ये सारा तोड़ देता है, तो यही वाली लगाई है नॉर्मल नॉर्मल, जैसे लोग को पता चल जाए और फिर लोग मांग ही लेते हैं खुद ही खुद। तो गाइस चारपाई वाली राखियाँ तो मैंने आपको सारी दिखाई दी हैं, और ये चारपाई ना हमने अभी अंदर ही लगा रखी है आज, क्योंकि बाहर हो रखी है बारिश और शाम का टाइम भी है तो इसलिए मैंने अंदर ही लगा दी है। तो अब दिखाती हूँ आपको महंगी वाली राखियाँ। तो महंगी वाली राखियाँ हैं ये, एक डिब्बा ये है, ये है, ये है, ये है, और इनमें ना डिज़ाइन बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक करके आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन सा डिज़ाइन है। तो ये हैं सब अच्छी वाली राखियाँ, मैं आपको एक एक करके डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसमें 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राखियाँ हैं। तो ये देखो इनकी ना पैकिंग का ही पैसा होता है, देखो कितनी अच्छी सी पैकिंग की है इन्होंने। तो एक डिज़ाइन ये है स्वास्तिक वाला, और एक डिज़ाइन इस टाइप से, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मोर के पंख वाला। और उसके बाद ये देखो आजकल ये ईवल आई वाला बहुत चल रहा है, तो एक डिज़ाइन इस टाइप का है, ये भी काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। तो ये तो सारे इसी डिज़ाइन के हैं, बॉक्स है ये, और एक बॉक्स है ये, और इसमें ना कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं आप लोग देख सकते हो। इसमें 1 रुपया लगा रखा है और पैकिंग इतनी सुंदर सी है, और राखी भी देखो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और एक ना इस टाइप की राखी मैं इसी बार ला रखी हूँ, इसी बार आई है नई टाइप की, तो इसमें रोली और अक्षत दोनों हैं। और ये देखो गणेश जी भी बने हुए हैं, ओम भी बना हुआ है, और काफ़ी प्यारी लग रही है आप लोग देख सकते हो। तो ये नया डिज़ाइन आ रखा है, और ये 80-90 की रेंज की राखी है, ये देखो। तो इसमें और भी आ रखी थी इस टाइप की, तो वो सेल हो गया है, अभी यही राखी बची हुई है। और उसके बाद ये देखो एक डिज़ाइन ये है, ये भी काफ़ी प्यारा है, और ये देखो। तो ये सारी अच्छी अच्छी राखियाँ हैं आप लोग देख सकते हो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और एक डिज़ाइन ये देखो, एक डिज़ाइन ये देखो शिव लिखा हुआ है। तो ये राखियाँ काफ़ी अच्छी राखियाँ हैं, और इससे तो लोग ना जो अच्छी अच्छी ले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छी राखियाँ है करके, तो इसलिए ये राखियाँ मैंने चारपाई में लगा रखी हैं क्योंकि वहाँ पर सब इधर उधर हो जाती हैं। तो इनको मैंने अलग लगा रखा है कि जिनको अच्छी मतलब ज़्यादा महंगी राखियाँ चाहिए होंगी उनके लिए ये राखियाँ दिखा देते हैं हम लोग। और एक डिब्बा है ये, और इसमें भी देखो कितना सुंदर सी राखी है, और एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है। तो इसी टाइप से कुछ डिज़ाइन हैं आप लोग देख सकते हो, ये डिज़ाइन तो आपने पहले भी देख लिया है, और ये सारे डिज़ाइन आप लोगों ने देख ही लिए हैं लगभग। तो ये वही वाले डिज़ाइन है जो मैंने पहले दिखा दिए हैं। और उसके बाद ये देखो एक डिज़ाइन ये है नया वाला, इसमें भी गणेश जी बने हुए हैं, और कितनी प्यारी पैकिंग है आप लोग देख सकते हो, पैकिंग का ही पैसा लेते हैं। और वैसे ये राखी भी ना मेटल की बनी हुई है तो अच्छी है, ये ख़राब होने वाली नहीं है। और एक राखी इस टाइप से है, और एक राखी इस टाइप से है, और ये तो आपने देख ही ली, ये वाली भी देख ली, और एक इस टाइप से है, ये देखो। और उसके बाद एक राखी इस टाइप से है, एक राखी ये देख सकते हो आप, ये भी काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। तो ये सारे डिज़ाइन ना काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, तो बहुत सारी राखियाँ तो इसमें की मेरी बिक भी गई हैं, ये देखो। और एक डिज़ाइन ये वाला देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, हरे पत्ता भी दे रखा है, और ये राखी भी देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। तो यही सारे कुछ कुछ डिज़ाइन हैं, ये देखो। तो इन सब में कुछ इसी टाइप के डिज़ाइन हैं, और ये जितनी भी राखियाँ हैं 60-70-80-90-100 रुपये तक है। और सबसे प्यारी तो मुझे ये लगी है, देखो कितनी प्यारी सी है ना। तो इधर उधर जैसे भेजते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी राखी हैं। तो लगभग सारी राखियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, अब हैं बच्चों की लाइट वाली राखियाँ, तो मैं आप वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर से मेरा लड़का देख रहा है, कहाँ रखी हैं लाइट वाली राखियाँ, कहाँ आपको चाहिए, आप मुँह में इतनी चॉकलेट क्यों लगा के ले आए। ये देखो इसकी शक्ल, इधर देखो ऊपर, मोको 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 मोको
कॉकरोच है। कॉकरोच कहाँ है? देखो कह रहा है कि उधर कॉकरोच। क्या निकालो। नहीं निकालो। आज फिर तोड़ देते हो। नहीं तोड़ दूँगी। और गाइस इसकी डर के मारे ना मैंने राखियां लाइट वाली सारी इधर पर रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। जब कोई मांगने आ रहा तभी दिखा रही। जा जा बाबू जाओ जाओ जाओ। सो गाइज ये देखिए ये हैं बच्चों की लाइट वाली राखियाँ, ये देखो इस टाइप से जलती हैं और इसमें ये इस टाइप के कार्टून वगैरह बने हुए हैं। तो ये लाइट वाली हैं, ये 40-50 रुपए सेल होती हैं। और उसके बाद ये देखो ये वॉच वाली हैं, ये भी इस टाइप से जलती हैं और काफ़ी अच्छी हैं। देखो इनकी लाइटें भी ना ख़राब नहीं होती हैं, तो इस टाइप से हैं ये देखो। तो ये भी 40-50 रुपये सेल हो जाती हैं। ये भी सब बच्चों की राखियाँ, देखो कैसे कैसे कार्टून बन रखे हैं सारे गुड्डे गुड़िया वाले। तो इनमें भी लाइटें जलती हैं देखो इस टाइप से, ये देखो। तो इस टाइप की राखियाँ भी आप अपनी शॉप में ज़रूर रखें लाइटों वाली, ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे लड़के ने लगभग 5-7 राखियाँ कल लगाए, जब हमने ये लाए थे तब से इसने 5-7 राखियाँ तोड़ दी हैं और अभी भी हमने तभी ये छुपा के रखी हुई हैं। तो ये देखो इस टाइप के, देखो ये यूनिकॉर्न वाली है और ये लाइट वाली हैं और ये तो वही वाली हैं सारे। ये क्या कहते हैं पता नहीं कौन कौन से कार्टून बने हुए हैं, तो बच्चे सब पहचान लेते हैं इनको। और ये देखो छोटा भीम बड़ा भीम पता नहीं कौन कौन से भीम है ये। तो ये हैं सारी बच्चों की राखियाँ। तो सारी राखियाँ मैंने आप लोग को दिखा दी। हम तो गाइस जितने टाइप की राखियाँ थी वो मैंने सारा कुछ आप लोग को दिखा दी हैं। तो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग राखियाँ लागे हो या नहीं लाए हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं लाए हो तो आप लोग ले आओ, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बच रखा है, 8-10 दिन है। तो जब अभी से आप लोग लगाओगे तभी कस्टमर को पता चल पाता है। और जो लोग दूर दूर भेजते हैं तो वो लोग लेने भी लग गए हैं, तो हमारी तो बहुत सारी राखियाँ सेल भी हो गई हैं। तो आप लोग भी ला कर राखियाँ लगाइए और अपनी शॉप को सजाइए, क्योंकि राखियों में ना शॉप भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यही थी कुछ राखियाँ। और मैक्सिमम आप ना 10-20-30 रुपए सेल की लाइए और ज़्यादा मत लाइए। और अगर आपके अच्छे कस्टमर हैं तो आप लोग ला सकते हो। तो हम भी जैसे अच्छी राखियाँ जो 50 रुपए से ऊपर की है वो कुछ कुछ ही लाते हैं, 2-3 बॉक्स, और कुछ कुछ डिज़ाइन ले आते हैं अलग अलग टाइप के, तो उन्हें कुछ कुछ ही लोग लेते हैं। और ज़्यादा लोग ना धागे वगैरह और सस्ती 10-20-30 रुपये वाले ही लेते हैं। तो इसी टाइप से अगर आपका जिस टाइप का भी एरिया है आप लोग उस अकॉर्डिंग रख सकते हो राखियाँ। और राखियों में अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप राखियाँ ज़रूर रखें अपनी शॉप में। तो राखियों की वजह से क्या होता है ना, और सामान भी अच्छा खासा सेल होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा राखी वाला ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।